सर चैतूर शंकरन नायर के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये इमेज में देख सकते हो, ये हैं चैतूर शंकरन नायरन। इनकी बायोपिक अभी प्रोड्यूस हुई है। बायोपिक मान लो छोटी मूवी वगैरह होती है जैसे इनके ऊपर बनी है। एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था द केस दैट सुक दी एम्पायर, द केस दैट सुक दी एम्पायर। ये बेस्ड थी बुक किस पे? इन पे ही बेस्ड थी, चैतूर शंकरन नारायण पे। और ये किसने लिखी थी? रघु पलत और पुष्पा पलत ने लिखी थी 2019 में। तो इस बुक के बेस पे ही ये बायोपिक बना गई है जो किसके ऊपर है? चैतूर शंकरन नारायण। तो ये फ्रीडम फाइटर थे, बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर थे। इनके बारे में डिस्कस करते हैं। इनका जन्म होता है 1857 में। कहाँ पे? एक मंकारा गांव है, विलेज है, जो मालाबार के पालाकड़ डिस्ट्रिक्ट में है। पालाकड़ डिस्ट्रिक्ट है केरल में और मालाबार कोस्ट के पास है। ये हमारा हिंदुस्तान है, ये मालाबार कोस्ट बोलते हैं इसको, वेस्टर्न साइड में केरल के पास। तो यहाँ पे इनका जन्म होता है मंकारा विलेज में। ये जाने जाते हैं अपने सोशल रिफॉर्म के लिए और सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिया, मतलब इन्होंने कुछ सामाजिक सुधार किए थे। और ये मद्रास हाई कोर्ट में लॉयर रखे थे, वकील और जज भी रह चुके थे। इनने क्या क्या अचीवमेंट किए थे? ये INSC के प्रेसिडेंट रहे थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके प्रेसिडेंट बने थे ये 1897 में। सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे ये, सबसे जवान जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस टाइम पे, तब तक 1897 तक। और ये ओनली मलयाली थे जिन्होंने INC को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को हेड किया था, प्रेसिडेंट रहे थे। केवल इकलौते मलयाली थे ये। जो रेलेफ यूनिवर्सिटी कमीशन था, जो आप सबने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, 1907 में बैठाया था ये कमीशन, ताकि एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ रिफॉर्म किया जा सके इंडिया में। ये लॉर्ड कर्जन ने बैठाया था, लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे वॉइस आए थे, इन्होंने ये कमीशन बैठाया था। तो इस कमीशन के मेंबर बनाया था इनको भी, चैतूर शंकरन नायर को भी, मेंबर थे इस कमीशन के। तो इन्होंने रिफॉर्म में कुछ योगदान दिया था अपना। और इन्हें नाइट हुड का भी टाइटल दिया हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। नाइट हुड एक टाइटल होता है, टाइटल देते थे नाइट हुड का, और एक एक तरह से एक मेडल सा होता था, उस पर लिखा होता था नाइट हुड। तो कोई अच्छे काम करता था तो नाइट हुड का टाइटल देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1904 में ये दिया था इनको, क्योंकि इन्होंने किंग एम्परर के लिए, जो इंडियन एम्पायर, मतलब किंग एम्परर के साथ मिलकर इंडियन एम्पायर के लिए कुछ अच्छे काम किए थे, एक तरह से कंपेनियन अपॉइंट किए गए थे ये। तो 1912 में इनको नाइट हुड का टाइटल दिया गया था। ये मद्रास हाई कोर्ट में जज रहे थे और परमानेंट जज अपॉइंट किया गया था इनको। कब? 1908 में, मद्रास हाई कोर्ट का। ये वायसराय काउंसिल थी जो, उसके भी मेंबर रहे थे, उसके पार्ट रहे थे। 1915 में ये पार्ट बने थे और इन्हें एजुकेशन पोर्टफोलियो दिया गया था। एजुकेशन पोर्टफोलियो का मतलब, जैसे आज कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ऐसे एक वायसराय की काउंसिल हुआ करती थी। और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जैसे एक होम मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, एजुकेशन मंत्री हो गए, ऐसे इनको एजुकेशन का पोर्टफोलियो दिया हुआ था वायसराय की काउंसिल में। एजुकेशन के डिपार्टमेंट को संभालते थे ये चैतूर जी। इनका फ्रीडम मूवमेंट में क्या रोल था? ये फर्वेंट फ्रीडम फाइटर थे। फर्वेंट का मतलब होता उत्सुक, उत्सुक फ्रीडम फाइटर थे। आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी इन्होंने, और ये इंडिया के राइट के लिए लड़े, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, मतलब चाहते थे स्वराज हो, इसके लिए लड़े। इन्होंने माउंटेक चैम्फोर्ड रिफॉर्म आया था जो 1919 में, उनमें भी एक अहम भूमिका निभाई थी इस रिफॉर्म को लाने में, क्योंकि उस टाइम पे ये वायसराय की एग्जीक्यूटिव के काउंसिल में मेंबर थे। इस जो रिफॉर्म आया था 1919 का, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये एक्ट आया था 1919 में। इसने डायर के सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, आप सबको पता होगा, प्रोविंस लेवल पे, मतलब स्टेट लेवल पे डायर की इंट्रोड्यूस की थी। डबल गवर्नमेंट टाइप होती है ये डायर की, आपने पढ़ा ही होगा। इसमें कुछ क्या है, कुछ सब्जेक्ट रख देते हैं इसमें रिजर्व किसके लिए? वायसराय के लिए, और कुछ उसके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके लिए, मतलब उन पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, और इनकी रिकमेंडेशन पे, एडवाइस पे ये डिस्कस लेते थे। और कुछ सब्जेक्ट क्या हैं, जैसे डिसीजन लेना कुछ सब्जेक्ट पे, वो वायसराय खुद लेंगे, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके साथ मिलकर। तो ये इस तरह से डायर की होती थी। इन्होंने वायसराय काउंसिल से रेजिग्नेशन दे दिया, रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि जलियावाला बाग मैसेकर हुआ था, जो जलियावाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद उसके प्रोटेस्ट में, विद्रोह में, इन्होंने रिजाइन कर दिया वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। इनके रेजिग्नेशन के बाद पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला के रख दिया था, क्योंकि ये बहुत ही अहम सदस्य थे वो, जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, बहुत अहम भूमिका, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने। तो उसके बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जब इन्होंने रिजाइन दे दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंजाब में जो प्रेस सेंसरशिप लगा रखी थी उसको हटा दिया। प्रेस सेंसरशिप का मतलब,
न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, ये चैनल तो क्या होते थे, न्यूज़पेपर जो होते थे उन पे क्या है प्रतिबंध लगा रखे थे, वो हटा दिए थे, लिफ्ट कर दिए थे, और मार्शल लॉ जो वहाँ पे टर्मिनेट कर दिया था, मतलब जैसे आज 144 लगता है ना, कर्फ्यू लगा देते हैं, ऐसे मार्शल लॉ लगता था, उसको हटा दिया था वहाँ से, पंजाब से। तो इन्होंने क्या है कि बाद में क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में, और इसे हंटर कमेटी भी बोलते हैं। किस लिए? ताकि जो पंजाब में डिस्टर्बेंस हुई थी, ये जलियांवाला बाग मासेकर हुआ था, इसके लिए कौन उत्तरदायी था, रिस्पॉन्सिबल था, इसकी जाँच के लिए। लेकिन एक चीज़ था जो ये शंकरन नायर जी थे, नायर जी गांधीयन मेथड के क्रिटिकल थे, मतलब गांधी जी के मेथड की आलोचना करते थे। इन्होंने अपनी बुक में लिखा है, चतुर जी की एक बुक है गांधी एंड अनार्की, इनमें कहा है कि जो गांधी जी के मेथड की बुराई की है, जो नॉन वायलेंस, सिविल डिसओबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन, ये गांधी जी के मेथड थे, इन मेथड की बुराई की है, क्रिटिक थे इन मेथड के। ये ऐसा मानते थे कि गांधी जी के जो मेथड है, नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन, डिसओबीडियंस, इनकी वजह से रिवॉर्ट्स होंगे और ब्लड शेड होगा, मतलब दंगे फसाद होंगे, वायलेंस होगी इनकी वजह से और खून खराबा होगा, ऐसा इनका मानना था नायर जी का। इन्होंने माइकल डायर के अगेंस्ट लीगल बैटल लड़ी, उसकी वजह से इनके इनके ऊपर डिफेमेशन का ट्रायल चला था। डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि, मानहानि का केस चला था। अब भी आप न्यूज़ में देखते होंगे कि किसी ने किसी नेता के ऊपर मानहानि का केस दर्ज कर दिया कोर्ट में, तो इनके ऊपर भी मानहानि का, डिफेमेशन का केस चला था, क्योंकि इन्होंने, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, इनको अक्यूज किया था, आरोपी लगाया था। माइकल जनरल डायर थे, जो डायर जिन्होंने आदेश दिया था ना, जलियांवाला मैसेकर हुआ था, जो जलियांवाला बाग मैसेकर हत्याकांड हुआ था, इन्होंने, डायर ने आदेश दिया था कि सैनिकों को गोली चलाने के लिए, तो इनको आरोप किया था कि यही रिस्पॉन्सिबल थे, अपनी बुक में कहा था ये गांधी एंड अनार्की में। तो इसके लिए माइकल डायर थे जो, उन्होंने डिफेमेशन चार्ज लगा दिया, केस लगा दिया इनके ऊपर, चतुर जी के ऊपर, इंग्लैंड में। तो इनके ऊपर ट्रायल चली थी, लेकिन इस ट्रायल का ये प्रभाव पड़ा कि जो नायर जी थे, लेकिन इस केस को तो लॉस्ट कर गए थे, हार गए थे, और इन पर डिफेमेशन के चार्ज लगे थे। लेकिन इस केस के बाद क्या होता, ये पता लग गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बाइसनेस करती है, पक्षपात करती है अपने अधिकारियों को बचाने के लिए, और एट्रोसिटीज करती है लोगों पे, इंडिया के लोगों पे, और इन्हें अपना लोग बोलती है, अपना आदमी बोलती है इंडिया को, और लेकिन अपने लोगों पे अत्याचार करती है। तो इसकी वजह से जब ये वर्डिक्ट आया था नायर जी के अगेंस्ट, इसकी वजह से जो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए और जो नेशनल डिमांड चल रही थी और ज़्यादा बढ़ गई थी, लोगों को मजबूती मिली और नेशनलिस्ट की जो फीलिंग थी इंक्रीज हो गई थी। इन्होंने सोशल रिफॉर्म क्या क्या किए थे, सोशल रिफॉर्म किए थे, एक तो ये देखो मद्रास हाई कोर्ट के जज थे, तब ये इन्होंने सोशल रिफॉर्म कुछ किए। एक केस है इनका फेमस 1914 का, जब ये मद्रास हाई कोर्ट के जज थे, बुद्ध सना वर्सेस फातिमा केस है, इस जजमेंट में कहा था कि जो भी लोग हिंदुज़म में कन्वर्ट हो गए हैं, मतलब जिन्होंने भी कोई और धर्म के थे और हिंदू धर्म को अपना लिया है, उनके साथ कोई भी आउटकास्ट की तरह उन्हें ट्रीट नहीं किया जाएगा, मतलब उन्हें, मतलब बाहर जाति का नहीं समझा जाएगा, उनके साथ कोई सौतेला बर्ताव नहीं किया जाएगा, उनके साथ अच्छे से बिहेव किया जाएगा। और कुछ केसेस में इन्होंने कहा, अपने जो केस दिए थे कुछ जजमेंट में बोला था कि इन्होंने सपोर्ट किया था इंटरकास्ट मैरिज को और इंटररिलीजियस मैरिजेस को, मतलब इंटररिलीजियस मैरिजेस और इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट किया था कि हाँ ये सही है, कि अंतर जातीय जो विवाह होते थे, अंतर धर्म के, एक धर्म से दूसरे धर्म के लोग जो विवाह करते हैं, इनको भी इन्होंने प्रमोट किया था, अपहेल्ड किया था। तो यही था इनके बारे में इस लेक्चर में।